नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल एकेडमी और मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जुलाई 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर का जो है यहाँ पे समरी वीडियो। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो राष्ट्रीय खबर है उसके बारे में, जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है। तो यहाँ पे एक एक करके हम उसको रीड करेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे। तो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। तो एक जो है मिसाइल विध्वंसक पोत है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगा हुआ है और उसको जो है 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। तो उसका नाम है INS इम्फाल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है INS इम्फाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। प्राचीर मतलब होता है दीवार, प्राचीर का मतलब दीवार होता है। तो पंजाब के रामबाग गेट को और प्राचीरों को जो है शामिल किया गया है दिसंबर 2023 में। किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को ने शामिल किया है विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए इनको शामिल किया है। अगला है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे गोल्डन आउल अवार्ड। कौन सा? गोल्डन आउल अवार्ड से भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा, ये आपका जो पेटा इंडिया इसका फुल फॉर्म, पेटा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पेटा इंडिया के द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये जो है इनका नाम है जैकी श्रॉफ और ये जो है टाइगर श्रॉफ के पप्पा हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोहों में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो ये जो 2024 गणतंत्र दिवस की बात की जा रही है, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस होगा? 75वां होगा और ये जो है 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को जो है इनवाइट किया गया और इनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। इनका नाम है इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WBCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 89वीं रैंक। किसमें? दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, तो इसमें जो है भारत को 89वीं रैंक मिली है। कौन सी? 89वीं रैंक। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला जिसे दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिड्राइट की गवर्निंग काउंसिल के रूप में चुना गया है, ये है उमा शेखर। इनका नाम है उमा शेखर, उमा शेखर, और इनको जो है भारत की पहली महिला के रूप में दिसंबर 2023 में चुना गया है। किसके लिए? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए इनको चुना गया। इनका नाम है उमा शेखर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को, तो सूरत का जो हवाई अड्डा है इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम क्या है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है समर। इसका नाम है समर। तो ये जो है वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा दिसंबर 2023 में किया गया है। अब आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ, यहाँ पे कितने लोग हैं, एक साथ 2 लाख लोगों को ध्यान लगाने की व्यवस्था? तो ये जो मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन, तो इसका नाम जो है स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया। इसकी जो क्षमता है इसमें जो है एक साथ 2 लाख लोग बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। ये विपस्यना केंद्र टाइप का है और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये 18 दिसंबर 2023 को किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा।
और ये जो है वाराणसी में स्थित है। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? तो यहाँ पे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके कारण उस बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ा? तो वो बीमारी थी, उसका नाम था प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या था? प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में, तो ये जो है एक बीमारी थी जिसका नाम था प्राथमिक यानी कि प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी, और ये ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट में जो आर्मी हॉस्पिटल है तो वहाँ के जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये किया गया है, और ये जो है एक सक्सेसफुल बोन मैरो ट्रांसप्लांट रहा है। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड वॉर्स का उद्घाटन किया है? तो ये जो है सूरत में स्थित है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। ठीक है, तो ये जो है एक कह सकते हैं ज्वेलरी ऑफिस टाइप का है, और ये जो है दुनिया के सबकी सबसे बड़ी ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग होगी जिसका नाम है डायमंड वॉर्स, और ये जो है 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्या? देखो यहाँ पे हिम महोत्सव, हिम से हिमाचल, हिम से क्या है हिमाचल। ठीक है, तो ये कब किया गया? 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है हिम महोत्सव का। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है न्योमा लद्दाख में। कहाँ पे? न्योमा लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विहार अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो ये जो है सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान की मान्यता देता है, आनंद विवाह अधिनियम। नेक्स्ट है, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तो इसका नाम है सिक्स स्काई। क्या नाम है इसका? सिक्स स्काई। किसके द्वारा? इंडिगो के द्वारा। यहाँ पे ध्यान देना, किसके द्वारा? इंडिगो के द्वारा एक एआई चैटबॉट जो है जो 10 भाषाओं में जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके प्रश्नों को संबोधित करेगा और अनोखा टिकट बुकिंग जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि 7 दिसंबर 2023 से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया था ये कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ेगा? ये हरियाणा में पड़ता है। वर्ष 2023 में किस महोत्सव में असम भागीदार? हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम जो है वो भागीदार है। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो ये 50,530 करोड़ रुपए पर। किसके लिए? 13-14 दिसंबर 2023 को बिहार में एक बैठक आयोजित हुई थी। वो कैसी बैठक थी? 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। तो ये कुछ इस प्रकार का है जैसे यूपी में इन्वेस्टर समिट होती है, तो वैसे ये बिहार में 2 दिवसीय क्या थी? ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट थी उसमें जो है कितने 50,530 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो उनका नाम है फातिमा वसीम, ये कैप्टन है। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो इसका नाम है INS तार मुगली। क्या है? इसका नाम है INS तार मुगली। 14 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा? इंडियन नेवी के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड के द्वारा इसको जो है कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक, कौन सी ये जो है अमृत नामक जो टेक्निक है उसको विकसित किए हैं, और इसको किसने किया है? इसको किया है IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है बारापुडा।
क्या नाम है इसका, इसका नाम है बाराकुडा, और ये क्या है, ये सौर इलेक्ट्रिक नाव है, भारत की सबसे तेज। कब इसको इसको लॉन्च किया गया, तो दिसंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया, बाराकुडा। नेक्स्ट है मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो डाक टिकट है वो कितने का है, वो 5 रुपये का है। वहीं पे अगर हम सिक्के की बात करें, जो सिक्का है वो कितने का है, वो 525 रुपये का है। किसकी जयंती पर, मीराबाई की। कौन सी जयंती थी, 525वीं जयंती थी। किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहाँ पे, मथुरा में, और कब किया गया, 23 नवंबर 2023 को। दो चीज़ें, एक था डाक टिकट 5 रुपये मूल्य का और एक सिक्का था 525 रुपये मूल्य का। 35 ग्राम वजन का सिक्का, अब देखिए यहाँ पे जो सिक्का था इसका वजन था 35 ग्राम वजन का सिक्का, 150% चांदी, 40% तांबा और 5% निकल व 5% जस्ते से बना। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। तो ध्यान देना, ये कैसा सिक्का है, ये एक जो है स्मारक सिक्का है, जो कि ये आम प्रचलन में, कि पब्लिक के संपर्क में नहीं आएगा, ये स्मारक सिक्का है। तो इसमें ये 35 ग्राम इसका वजन है, कितना है, 35 ग्राम इसका वजन है। इसमें जो है 150% जो है चांदी है, और उसके बाद फिर 40% इसमें कॉपर है, 5% इसमें निकल है और 5% इसमें जिंक है। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही, तो इसमें जो है चंद्रयान 3। अगर हम बात करें कि 2023 में जो टॉप सर्च लिस्ट होती है, तो उसमें टॉप पे कौन रहा है, तो इसमें जो है चंद्रयान 3 जो है टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई, तो ये मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये है आपकी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो वहाँ पे राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्य महोत्सव मनाया गया, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, ईटानगर। यहाँ पे क्या गया है, भारत 3 दिवसीय तोरग्य महोत्सव। कौन सा महोत्सव, तोरग्य महोत्सव। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये जो है गुवाहाटी, असम में किया गया। असम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी है। नेक्स्ट है, दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की, तो ये था रेस टू रेजिलियंस। दुबई में जो COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए यूएन ने एक अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की, तो वो जो भागीदारी थी रेस टू रेजिलियंस की। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये कहाँ पे, फ्रांसीसी शहर में। कहाँ पे, फ्रांसीसी शहर में, और किसके, तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो वो शहर है, उसका नाम है सेरगी शहर, उसका नाम है सेरगी शहर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, पांच से 6 दिसंबर 2023 को आए निचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई, तो ये जो राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। कितने राज्य हैं, 1, 2, 3, 4। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ पे उड़ीसा। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, तो ये जो है गरबा नृत्य। ये कहाँ से संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पहले इसका नाम क्या था, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, आयुष्मान
भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, तो इसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है, तो इसमें जो है 8 लोगों को टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिले, तो 8 लोगों को, कितने 8 लोगों को। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो ये जो था ये उत्तराखंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जीएसटी को जो है इंप्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की, तो ये जो है स्वर्ण पदक विजेता, इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। क्या नाम है इनका? दिव्य कीर्ति सिंह। और ये एशियाई खेलों में, इनको जो एशियन गेम्स जो था उसमें इनको स्वर्ण पदक मिला था, तो इनको जो है नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया गया है, स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में इनको नियुक्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया, तो ये जो है महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है, ये किया गया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, नवंबर 2023 में। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है, तो ये जो है शिव नाडर, और ये जो है ये HCL के क्या है, ये HCL के फाउंडर, इनका नाम है शिव नाडर। तो इन्होंने क्या किया, नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में इनको जो है भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये जो है IIT बॉम्बे के द्वारा जो है ये बताया गया कि जो कार्बन नैनोफ्लोरेट है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, इनका नाम है, इस पुस्तक का नाम क्या है, इसका नाम है सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन, अब देखो एक पुस्तक है किसके योगदान के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के लिए एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया है उत्तराखंड के CM, जिनका नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने कब किया, 2 दिसंबर को। अब बात करते हैं पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम है सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। नेक्स्ट है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है, तो ये जो है हैदराबाद को। किसके द्वारा? मर्सर द्वारा, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023, तो एक मर्सर जो है वो एक इंडेक्स जारी करती है जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2000, तो ये 2023 का है, इसलिए इसका नाम 2023 है, तो इसने जो है हैदराबाद को शहर के रूप में सूचित किया, वो शहर कैसा है, अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहाँ पर 40वें तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये जो है नई दिल्ली। किसका? 40वें तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया, कब किया है, दिसंबर 2023 में, किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था, तो इसका जो मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पर हुआ, तो ये जो है महानदी के तट पर कटक में, कटक कहाँ पे, ओडिशा में, तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है कि जो महानदी है वो ओडिशा से होकर भी गुजरती है। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया,
ये जो है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कहाँ पे? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किसके? शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नौसेना दिवस के अवसर पर उनकी मतलब शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के पीछे का क्या उद्देश्य था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये फैक्ट है 45 फीट की, किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। कब किया? 4 दिसंबर 2023 को, नौसेना दिवस था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो इसका जो है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत के स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए पहल की। अब देखो ये क्या, विकसित भारत 2047, तो इसमें जो है युवाओं की आवाज़, वॉइस ऑफ यूथ। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है तो कमेंट करके बताइएगा। तो दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर में, तो वो भारतीय शहर कौन सा है? पुणे। पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इसने जो है क्या किया, चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है, आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो है चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो ये जो है पटना में, और पटना कहाँ पे है? बिहार में। बिहार की राजधानी के आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है NH6 को किससे? हजीरा बंदरगाह। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हजीरा बंदरगाह कहाँ पे है। तो जो NH6 है इसको हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली जो सड़क है उसमें जो है 6 लेन की सड़क बनाई गई है और उसमें स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? तो लाकाडोंग हल्दी जो है ये मेघालय से संबंधित है, इसको जो है एक GI टैग दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम है दीप कालरा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दीप कालरा। नेक्स्ट है, तृणमूल कांग्रेस की वो लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई, जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। ये जो कि एक मतलब बहुत गलत बात है, ये सांसद हैं तो ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने लोगों के प्रश्नों को संसद में रखने के लिए इन्होंने पैसा लिया जिसके कारण इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। हाँ, 8 दिसंबर 2023 को इसीलिए इनको रद्द किया गया है, तो ये पैसा लेके प्रश्न पूछ रही थी। नेक्स्ट है, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 को किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पे जयपुर में स्थित एक वैक्स म्यूजियम है, वहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो वैक्स म्यूजियम कौन सा? वैक्स म्यूजियम है कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में है, तो उसका जो है अनावरण किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का। आगे चलते हैं, हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में ये पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। किसके द्वारा? पुरातत्वविद के द्वारा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में।
2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो IIT मंडी है इसको जो है COP28 में ग्रीन इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। ये कहाँ पे हुई थी? दुबई में संपन्न हुई थी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कहाँ पे? दुबई में। कौन सी थी? COP28 थी। तो इसमें जो है IIT मंडी जो है उसको ग्रीन इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है सुरेश रैना, इनको जो है जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार। किसके लिए? उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पंजाब। कैसा? कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब। वो भारतीय राज्य जहाँ हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश। किसकी प्रजाति मिली है? म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड्स 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह है क्यूटोन टाइल्स को। इसके लिए इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में किसको? क्यूटोन टाइल्स को। नेक्स्ट है, 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन 2023 को किसने किया? तो ये जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन जिसका जो पुस्तक का नाम है न्यू इंडिया का सामवेद। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में ISO क्या है? ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? तो ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, इस थाने को क्या दिया गया है? 9001/2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो ये जो है मयूराक्षी नदी पर, कहाँ पे? झारखंड में। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो मयूराक्षी नदी है ये झारखंड से होकर बहती है, ठीक है। तो ये जो है सबसे लंबा पुल 2340 मीटर या फिर 2.34 किलोमीटर मयूराक्षी नदी पर, कहाँ पे? झारखंड में। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये जो है देहरादून कैंट बोर्ड, कहाँ पे? देहरादून कैंट बोर्ड। ये कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी की आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के द्वारा, भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है BHU के द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44, कौन सी? पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये आपका जो है ये पंजाब राज्य है। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पानी की अधिक खपत होती है, किसमें? पूसा 44 में। तो पंजाब राज्य ने इसको जो है अक्टूबर के महीने में इसके खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट, किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो ये जो है तमिलनाडु। राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है तमिलनाडु।
नेक्स्ट है वो राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, तो ये जो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश क्या किया है उसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? ये जो है कतर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उस टाइम पे तो ये जो 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी थे इनको मौत की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और मौत की सजा को खत्म कर दिया गया, उनको आजीवन कारावास कर दिया गया, ऐसा न्यूज में देखने को मिला। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये जो है बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, ये जो है किसकी है? भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में? तो ये बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम है कस्तूरी कॉटन। किसके द्वारा? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर। कब मनाया गया ये? 7 अक्टूबर 2023 को, और उसी दिन केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत के कपास के ब्रांड का नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? ये जो है तेलंगाना के मुलुगु। कहाँ पे? तेलंगाना के मुलुगु। आप लोग कमेंट करके बताइए कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना तेलंगाना के मुलुगु में। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 सूची में कच्छ, गुजरात के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया? फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में कच्छ, गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये जो है धोरडो। यहाँ पे क्या है? धोरडो। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल के शुरुआत की घोषणा की है? तो ये जो है ग्रीन क्रेडिट पहल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ग्रीन क्रेडिट पहल नाम है। नेक्स्ट है इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। तो किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया? 1 दिसंबर को किया गया। इसका नाम क्या था? ग्रीन क्रेडिट पहल। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? बंजर भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? हवा में उपस्थित जो कार्बन है उसको सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहाँ पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये जो है देवघर। देवघर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इंफोफिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर दिसंबर 2023 के अंत में प्रकाशित हुआ के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक प्लास्टिक ग्लोमरेट की चट्टान कहाँ पर मिलती है? तो ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का जो है अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए